अब हम डिस्कस करेंगे और टेबल रिलेटेड क्वेरीज के बारे में। इससे पहले हम देख चुके हैं कि हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल में स्कीमास कैसे क्रिएट करते हैं, स्कीमास में हम डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, वैल्यूज कैसे इंसर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि वैल्यूज को हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए हम वैल्यू जो अपडेट करते हैं उनको हम जो एग्जिस्टिंग रोज हैं उनमें डेटा को कैसे अपडेट करते हैं, उसके लिए अपडेट कमांड है वो यूज की जाती है। अपडेट की कमांड यूज करने के लिए आप यहाँ पे लिखते हैं अपडेट टेबल नेम। टेबल नेम में आप सेट करना चाहते हैं वैल्यू को, पहले जो वैल्यू थी उसको आप किस वैल्यू से चेंज करना चाहते हैं यानी अपडेट करना चाहते हैं, और दूसरी कॉलम की वैल्यू को आप किससे अपडेट करना चाहते हैं, यानी कि आप यहाँ पे सेट में जाके अपनी वैल्यूज जो हैं वो जो अपडेट करना चाहते हैं उनको और जिन वैल्यू से अपडेट करना चाहते हैं उनके इक्वल लिख के आगे हम लिखते हैं जी वेयर कंडीशन। कंडीशन आगे अप्लाई कर देते हैं, कंडीशन क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट का डेटा यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट के डेटा में जहाँ पे मार्क्स है मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेड्स है, सेट ग्रेड कर दे आउटस्टैंडिंग इक्वल, यानी कि जिनका ए ग्रेड है या ए प्लस ग्रेड है उनको आउटस्टैंडिंग शो हो। सो आउटस्टैंडिंग हम पूरा नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का ओ जो है वो लिख देते हैं कि जहां जहां ए ग्रेड है वहां पे हमें ओ नजर आए एज अ ग्रेड। तो हम देखते हैं कि इस MySQL में किस तरीके से रन करते हैं। अब हम यहां पे अपडेट से रिलेटेड कमांड को रन करते हैं। कमांड है जी अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट के टेबल को अपडेट करना है सेट ग्रेड जहां पे आए इक्वल टू ओ फॉर आउटस्टैंडिंग वेयर ग्रेड इक्वल्स, रन करते हैं इसको। हम इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने पे यहाँ पे हमें एरर शो कर रहा है। एरर है जी आपका, एरर हमें जो शो हो रहा है वो है 1175 यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड एंड यू ट्राई टू अपडेट अ टेबल विदाउट अ वेयर दैट यूजेस अ की कॉलम टू डिसेबल सेव मोड टॉगल। ये एक आपको एरर दे रहा है, एरर ये दे रहा है कि आप जो है सेफ मोड में अपने इस MySQL वर्कबेंच को यूज, अगर आप इस MySQL वर्कबेंच को सेफ मोड से ऑफ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको सिंपली एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी। वो क्वेरी क्या है, वो क्वेरी है जी सेट SQL सेफ अपडेट्स इक्वल टू। अब मैं पहले इसको रन करता हूं, इसको रन करके एग्जीक्यूट करते हैं तो यहां पे हमारा सेव मोड जो है वो ऑफ हो गया। अब जीरो का मतलब है यहां पे ऑफ, और अगर हम यहां पे वन लिख देंगे तो इसका मतलब होगा कि हमने सेव मोड ऑन कर लिया। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो एग्जीक्यूट जब मैं करूंगा तो एग्जीक्यूट करने पे ये हमारा जो अपडेट वाली वैल्यूज है वो हो जाएंगी अपडेट। अब अगर मैं ये चाहूं कि अपडेट कर दे स्टूडेंट के टेबल में, सेट कर दे वैल्यू को जहां पे है ग्रेड बी वेयर मार्क्स बिटवीन 80 एंड 90, यानी कि जहां पे 80 और 90 हैं उनके दरमियान में जो नंबर्स हैं उनको ग्रेड बी जो है वो सेट कर दे। आपका ये ग्रेड बी सेट हो गया है। अब अगर मैं कहूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसको मैं एग्जीक्यूट करूं, इसको एग्जीक्यूट करने पे मुझे यहाँ पे स्टूडेंट के नेम जो है वो जिनके 80 to 90 मार्क्स हैं वो बी ग्रेड्स में शो हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 82 और 85 हैं इनके दरमियान में जो हमारे मार्क्स हैं वो उनको बी ग्रेड के साथ शो कर। अब अगर मैं यहाँ पे एक और वैल्यू सेट करना चाहूँ, सेट कर दे मार्क्स को इक्वल मार्क्स +1 के, इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं शो करवाने के लिए, तो यहाँ पे आप देखें कि 78 थे 79 हो गए, 93 थे 94 हो गए, 85 से 86, 96 से 97 और 82 से 83 मार्क्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे मार्क्स को कर दूँ +5 तो यहाँ पे इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने पे यहाँ पे हमें +5 जो है वो मार्क्स शो हो रहे हैं। इस तरीके से हम अपनी अपडेट कमांड को यूज करते हैं।